कल हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पहुंच रहे हैं, उसको लेके शासन का जो घोषणा पत्र था उसको प्रेस में बताना था और मैंने 4 महीने में जो उपलब्धियां की आप लोगों के सहयोग से वो सब बताने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। कल मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री बनने का प्रथम नगर आगमन है, साथ ही चुनावी सभा है, तो विशेष क्या रहेगा उसमें? मुख्य विषय ये रहेगा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएं। जैसे 38,100 वोट से यहाँ बत्ना विधानसभा की जनता ने मुझे विजयी बनाया है, उससे डबल वोट से, क्योंकि उस समय लोगों के पास असमंजस की स्थिति थी कि संपत जीतेगा कि नहीं, प्रदेश में सरकार बनेगी कि नहीं और वादे पूरे होंगे कि नहीं। मैं जीत गया, प्रदेश में सरकार बन गई और मोदी गारंटी के सभी वादे पूरे करने के बाद में अब यशस्वी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो जितने वोट से मैं जीता हूं उससे डबल वोट से और मोदी जी के नाम से वोट होगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि जैसे बसना का जन्म हुआ, मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, वैसे ही बसना विधानसभा की जन्मी हुई और पहली बार आज़ादी के बाद शायद किसी महिला को लोकसभा की टिकट मिली, वो भी लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और हमारे बसना विधानसभा क्षेत्र को ही सम्मानित किया गया, प्रत्याशी यहीं की है। इसलिए बसना विधानसभा की नैतिक जिम्मेवारी होती है कि उनको प्रचंड बहुमत से विजयी बनाए, वही बोलने के लिए और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी भी निवेदन करने आ रहे हैं। एक चुनावी चर्चा चल रही है कि कल भारी संख्या में मुख्यमंत्री जी के समक्ष भाजपा प्रवेश करने वाले हैं। भाजपा प्रवेश करने की तो पूरे प्रदेश में, पूरे भारत देश में होड़ लगी हुई है। कांग्रेसी लोग बोलते हैं कि इनको डरा धमका के प्रवेश किया जा रहा है, जबकि हम तो नाम लिखते लिखते थक जा रहे हैं। लोग अपने आप आके लिखवा रहे हैं मेरे को प्रवेश करना है, मेरे को प्रवेश करना है। और आप लोग स्वयं जानते हैं कि यहाँ पे डर भय वाला तो मैं इंसान ही नहीं हूँ, किसी को क्या डराऊंगा धमकाऊंगा। लोग स्वतः आके नाम लिखवा रहे हैं और कल भारी संख्या में प्रवेश करेंगे।